हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज एक बहुत बड़ी न्यूज को लेके या फिर अपडेट मान लीजिए इसको लेके आपके सामने हाजिर हुए हैं कि जी हाँ, जो डॉक्टर मनसुख मांडविया जी की एक मीटिंग हुई है सर, 194th नंबर की एक जो मीटिंग हुई है हाल ही में, उसके अंदर काफी सारे डिसीजन लिए गए हैं। सर क्या लिया गया है? मैक्सिमम काफी सारे डिसीजन लिए गए हैं और मैं अब सीधे पॉइंट पे आता हूं, जो डिसीजन हमारे काम का है। ठीक है, कहने का मतलब है इस डिसीजन के अंदर क्लियरली मेंशन लिखा है कि अप्रूव रिक्रूटमेंट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर थ्रू नॉर्सेट। कहने का मतलब है सर, जो मनसुख मांडविया जी ने ESIC लिखा है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन समिति के गठन के साथ बैठक करी है, याद रखिएगा, उसके अंदर क्या निर्णय निकाला है कि अप्रूव कर दीजिए रिक्रूटमेंट नर्सिंग ऑफिसर की थ्रू नॉर्सेट। कहने का मतलब है सर कि अब ESIC की जो भर्ती है वो नॉर्सेट कंडक्ट करवाएगा, जो ESIC की भर्ती है वो बिल्कुल नॉर्सेट कंडक्ट करवाएगा। ये बहुत बड़ी एक अपडेट आई है और इसी के साथ में, अब याद रखिएगा, इसके साथ में बेनिफिट भी है अपन को भाई, हमें बेनिफिट भी है और हमें नुकसान भी है। बेनिफिट क्या है सर भाई, नॉर्सेट की हर साल वैकेंसी आती है तो हो सकता है कि 500 या 600 या जितनी भी जो वैकेंसी ESIC ऐड करना चाहे वो हर साल ऐड हो सकती है। कहने का मतलब है सर, नॉर्सेट की वैकेंसी जो बढ़ी हुई मिलेगी आपको, ठीक है भाई, बेनिफिट तो ये हो गया। और दूसरा क्या हो गया सर, दूसरा आप सभी को मैं आपको बात बताऊं, इसके अंदर क्लियरली मेंशन लिखा है, दूसरा क्या चीज है कि हो सकता है नॉर्सेट के अंदर 80-20 लगा हुआ है भाई, नॉर्सेट के अंदर 80-20 लगा हुआ है तो चांस तो पूरे पूरे हैं कि ESIC की जो भर्ती जो नॉर्सेट कंडक्ट करवा रहा है ये, इसके अंदर भी 80-20 लगने के तो पूरे पूरे क्या है सर, चांस है। बाकी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने पे हम सबको क्या लगेगा, पता लगेगा भाई, क्लियर तो हमको सभी जब ही होगा जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। वैसे मैं आप सभी को बता दूं, ये जो मीटिंग हुई थी इसके अंदर क्लियरली मेंशन लिखा है नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट थ्रू नॉर्सेट। क्या लिखा है, नॉर्सेट के जरिए क्या करवाइए, नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती करवाइए विद एम्स रिक्रूटमेंट पॉलिसी। अरे भाई क्लियर दे दिया, एम्स रिक्रूटमेंट पॉलिसी, जिस आधार पे एम्स रिक्रूटमेंट ले रहा है उसी आधार पे क्या करिए सर, नर्सिंग ऑफिसर की रिक्रूटमेंट करवाइए। कहने का मतलब है सर 80-20 लगने के तो लगभग लगभग पूरे पूरे चांस है। इसी चीज को देखते हुए, यही डिसीजन को देखते हुए, जो ESIC समिति फेडरेशन के जो मेंबर है, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं वो भी, इसके अंदर क्या है, ऑल इंडिया ESIC नर्सिंग ऑफिसर, कहने का मतलब ऑल इंडिया ESIC नर्सिंग ऑफिसर फेडरेशन के जो अध्यक्ष है हमारे, फेडरेशन ने क्या कर दिया है, पूरी समिति ने क्या कर दिया है, मीटिंग को क्या किया है, गठित किया है, और इस मीटिंग को गठित करके क्या कर दिया है, एक लेटर लिख दिया है सर गवर्नमेंट को, क्या लिख दिया है, लेटर लिख दिया है। उस लेटर के अंदर क्या लिखा है ये भी मैं आपको संक्षिप्त रूप में बता देता हूं, लिखा है कि आपको नॉर्सेट के जरिए ESIC की भर्ती लेनी है तो लीजिए, लेकिन उसके अंदर 80-20 इंक्लूड मत कीजिए। ये किसने बोला है, ये ऑल इंडिया ESIC नर्सिंग ऑफिसर फेडरेशन, इसके क्या है लेटर है, इसने क्या किया है गवर्नमेंट को बोल दिया। अरे कहने का मतलब है, जब ये बैठक हुई थी मनसुख मांडविया जी की ESIC समिति के साथ, तो उन्होंने डिसीजन ले लिया, बोले अब नॉर्सेट ही कंडक्ट करवाएगा, नॉर्सेट एम्स पॉलिसी के जरिए क्या लेना है हमको, रिक्रूटमेंट लेना है। लेकिन ये खबर सुन के ESIC के जो समिति के फेडरेशन के जो मेंबर है, ठीक है भाई, उनके टेंशन होनी है भाई, उनको क्या हुआ, उन्होंने सोचा कि अगर ये ESIC के अंदर भी फिर 80-20 लागू हो जाएगा, क्योंकि एम्स रिक्रूटमेंट पॉलिसी क्या कहती है, 80-20 लागू है। तो इसी को देखते हुए इन्होंने क्या लिख दिया है सर, पत्र लिख दिया है। तो भाई ये न्यूज आप सभी को देनी थी दो, कि क्या, कि एक तो अब से ESIC की जो भर्ती है वो नॉर्सेट कंडक्ट करवाएगा, सेकंड 80-20 के पूरे पूरे चांस है, हालांकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन का इंतजार है कि क्या आता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच अगेन, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू।